एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स स्वाति हियर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको अलसी के बीजों का, फ्लैक्स सीड्स का आपको क्या क्या यूजेस होते हैं, इसका क्या बेनिफिट होता है आपके स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए। तो फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ ये अलसी के बीज होते कैसे है। लेट मी शो यू। आपने ये देखे होंगे ब्राउन कलर के लंबे लंबे से बीज, हो सकता है आपकी दादी नानी इसको यूज करती होंगी पिन्निया बनाने के लिए। अगर आपको पता होगा लड्डू जिसको हम कहते हैं राउंड राउंड, क्योंकि मेरी दादी इसके साथ ही पिन्निया बनाती थी, मेरी मम्मा भी इसके साथ ही पिन्निया बनाती थी। जब ठंड होती है तब हम ये अलसी के बीज की हम पिन्निया खाते हैं। हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें डेयर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है, दाग धब्बे खत्म करती है, पिंपल्स को खत्म करती है, आपकी स्किन के ऊपर जितने भी फाइन लाइंस है उसको ये खत्म करती है, आपकी स्किन को टाइटन अप करते हैं ये फ्लैक्स सीड्स की। ओके, अब आप ये सोच रहे हो आप इस फ्लैक्स सीड्स को कैसे यूज करो जिसकी वजह से आप इसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट अपने स्किन के लिए एंड हेयर के लिए उठा सको। तो डियर, पहली बात तो ये जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं इसका एक फेस पैक भी बनता है, वो मैं कभी किसी और दिन आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी आप अपनी स्किन के लिए इसको कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हेयर के लिए, क्योंकि उसका भी डियर मैंने फुल फ्लेज डेमो शूट किया हुआ है। मुझे सिर्फ होता है कि मैं आपको डेमो दिखा दूं तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से इसका पता लगेगा। तो आज आप सबसे पहले देखो कि इसको मैं एक जेल बनाऊंगी इसके साथ। ये रही इसकी फ्लैक्स सीड की जेल, आप देख सकते हो मैंने कितनी सारी बनाई है एंड इसको मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ। तो आप इसके साथ मैं जेल बनाऊंगी, आज आपको दिखाऊंगी मैं अपने स्किन के ऊपर कैसे इसको यूज करना है। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आप देखोगे कि जेल के साथ आप कैसे अपने बालों को सॉफ्ट एंड अच्छा बना सकते हो। तो फटाफट से अब आप देखो ये जेल कैसे बनानी है ना, आपने अपने स्किन के ऊपर इसको कैसे यूज करना है। जेल बनाने के लिए आपको चाहिए 1/4 कप अलसी, फ्लैक्स सीड्स, ये आप देख सकते हो 1/2 कप से भी ये कम है। आपने एक बर्तन में डालनी है इसको और उसमें आपने 2 कप भर के पानी डालना है। 1/4 कप अलसी में आपने 2 कप पानी डालना है और आपने इसको 7-8 मिनट के लिए गैस के ऊपर रख देना है मीडियम फ्लेम पे। आपने ऑन पे नहीं करना, आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे करना है और आपने बीच बीच में चलाते रहना है। 7-8 मिनट के बाद आप देखोगे बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, फ्रॉथी फ्रॉथी सा हो जाएगा, तो आपने अपनी गैस बंद कर देनी है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल और ज्यादा जेल फॉर्म में आ जाएगी और फ्रिज में रखने के बाद तो और जेल बन जाएगी। तो अब आप देखो आपने इसको, अब इसको छानना है। मैं इसको कपड़े के साथ छानूंगी, पोनी के साथ छानना, चाय वाली पोनी के साथ वो इजी नहीं होता, वो अच्छी तरह से इसका जेल बाहर नहीं निकलता, मैंने वो भी ट्राई किया था। तो एट द एंड आपको कपड़े के साथ ही करना पड़ेगा एंड आप देखो कितनी अच्छी से इसके अंदर से जेल निकल रही है। ये ठंडे होने के बाद और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। आपने ग्लास कंटेनर लेना, ये मेरे पास जैम की कंटेनर है, किसान की जैम का, मैं इसमें सारा इसमें डाल दूंगी। आप इसको अब बहुत आराम से 10-15 डेज यूज कर सकते हो। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल डालोगे तो और आपका ज्यादा दिन के लिए चलेगा। ये है गुड वाइब्स का लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी जेल में से और ये आपका प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा। तो आपने गुड वाइब्स का लेवेंडर एसेंशियल ऑयल आपने डालना है, इसमें 4-5 ड्रॉप्स डाल दो अच्छी तरह से। purple.com पे आपको ये मिल जाएगा एसेंशियल ऑयल। अब आप अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर देना है एसेंशियल ऑयल को और ये आपकी जेल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ। अब ये मेरी जेल बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की वजह से। एंड आपने इस जेल को अच्छी तरह से अपने पूरे फेस के ऊपर 5-10 मिनट के लिए मसाज करनी, अपने आईज पे भी, आपके डार्क सर्कल भी ठीक हो जाएंगे इससे। अब आपने देख लिया कि ये जेल बनानी कितनी इजी थी, सिर्फ आपके 5 या 7 मिनट लगे थे। एंड अगर आपको ये कोई भी चीज या कोई भी होम रेमेडी अगर आपको सूट करती हो तो डियर थोड़ा सा एफर्ट डालना जरूरी होता है अपने स्किन के लिए, अपने हेयर के लिए। तो आज मैंने आपको इसका स्किन के लिए बेनिफिट बताया, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी हेयर के लिए होगी। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, हेल्पफुल लगी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सबके साथ शेयर कर सकते हो। सो टिल देन, बाय।